अस्सलाम वालेकुम। हम चैप्टर नंबर 8 गेटिंग स्टार्टेड विद सी का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले जिस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे वो एक टॉपिक है यहाँ पे कि डिफरेंस बिटवीन लिंकर एंड लोडर। लिंकर और लोडर में क्या फ़र्क है? तो एक्चुअली कंपाइलेशन के बाद जो हमारे पास ऑब्जेक्ट कोड आ जाता है किसी भी सोर्स प्रोग्राम का, तो वो अभी भी एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में नहीं होता। उसको कुछ सपोर्टिंग लाइब्रेरीज चाहिए होती हैं। लाइब्रेरीज ऐसी फाइलें होती हैं कि जो पहले से आपके उस खास सी लैंग्वेज के एनवायरनमेंट के साथ आपको दे दी गई हैं। तो आमतौर पे लाइब्रेरी फाइल्स का एक्सटेंशन जो होता है वो डॉट है। तो जैसे कि हेडर फाइल्स का एक्सटेंशन डॉट एच है, इसी तरह लाइब्रेरी फाइल्स का एक्सटेंशन डॉट एल आई बी होता है। और ये असल में ऐसी सपोर्टिंग फाइल्स हैं कि जो आपके प्रोग्रामिंग कोड को चलने के लिए उसके साथ अटैच करना ज़रूरी है। तो लिंकर एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि आपके कंपाइल्ड कोड को कोड के साथ ज़रूरी लाइब्रेरी फाइल के कोड को अटैच करता है। इसी तरह लोडर जो है, इसका मैंने पहले भी जिक्र किया था, लोडर ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कंपोनेंट सॉफ्टवेयर है जो कि आपके एक लिंक्ड फाइल को फाइनल जो एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बनती है उसको मेमोरी के अंदर लोड करने के लिए यूज़ होता है। तो जिस तरह अब माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है या एमएस डॉस है तो हर ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना अपना लोडर उसके अंदर मौजूद होगा। तो एक दफ़ा फिर इसका मैं रिव्यू ले लेता हूँ कि सबसे पहले फर्स्ट ऑफ एक सोर्स फाइल होती है। मिसाल तौर पे जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था कि प्रोग्राम का नाम फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट है, तो जब आप इसको सेव करेंगे तो फर्स्ट डॉट सी पी पी या सी एक्सटेंशन के साथ फाइल आपकी बनेगी। देन फिर जब आप उसको कंपाइल करते हैं तो आपके पास फाइल आ जाती है फर्स्ट डॉट ओ बी जे। और देन फिर जब आप उसको लिंक करेंगे तो लाइब्रेरीज के साथ जब आप लिंक करेंगे तो उसकी जो फाइनल फाइल बनेगी, फाइनल एग्जीक्यूटेबल फाइल बनेगी, वो फर्स्ट डॉट ई एक्स सी होगी। तो अब लोडर जो है वो फर्स्ट डॉट ई एक्स सी फाइल को मेमोरी के अंदर लोड करता है। तो नेक्स्ट आगे हम अगला टॉपिक हम देखें। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कॉमन प्रोग्रामिंग एरर्स का। तो जनरली एरर्स किसी भी प्रोग्राम के अंदर तीन तरह के एरर्स होते हैं। थ्री टाइप ऑफ एरर्स को हम देख लेते हैं। इसमें नंबर वन हमारे पास सिंटैक्स एरर्स हैं। सिंटैक्स एरर असल में एरर्स हैं, कोई भी स्टेटमेंट जो हम लिख रहे होते हैं प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट उसकी सिंटैक्स में जो एरर होते हैं। अब सिंटैक्स क्या होती है? आप कह सकते हैं भी सिंटैक्स इज ए मेथड ऑफ राइटिंग ए प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट।
तो एरर्स इन द सिंटैक्स ऑफ ए प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट, इसके एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल किसी जगह आपने सपोज करें प्रिंट एफ आपने लिखना था, तो आपने उसके स्पेलिंग गलत कर दिए, आपने ये स्टेटमेंट लिखी है प्रिंट एफ की स्पेलिंग आपने गलत कर दी है, तो ये एक सिंटैक्स एरर होगा। इसी तरह आपने गेम पे कॉमा सपोज करें आपने मिस कर दिया, सपोज करें कि किसी जगह आपने स्टेटमेंट लिखी है तो आपने जो है इसको क्लोज आपने नहीं किया, हेलो के दोनों तरफ इन्वर्टेड कॉमास लगने चाहिए थे, और फिर किसी जगह अगर आपने सपोज करेंगे एक जगह आपने ये स्टेटमेंट दी हुई है int x equal to 3 और यहाँ से आपने सेमी कॉलन मिस कर दिया, तो ये तीनों एग्जांपल्स हैं सिंटैक्स एरर्स के। फर्स्ट में स्पेलिंग मिस्टेक है, इसी तरह सेकंड जो स्टेटमेंट है इसके अंदर इन्वर्टेड कॉमा मिसिंग आफ्टर हेलो, और थर्ड में जो है वो हमारा सेमी कॉलन मिसिंग है। तो दीज आर ऑल सिंटैक्स एरर्स, इनको मैं ज़रा यहाँ पे ना हाईलाइट भी कर देता हूँ। तो इसमें ये याद रखना चाहिए कि कंपाइलर जो है वो सिर्फ आपके सिंटैक्स एरर्स को डिटेक्ट करता है, कंपाइलर ओनली डिटेक्ट्स सिंटैक्स एरर्स। अच्छा, अब सेकंड टाइप ऑफ एरर्स कौन से होते हैं हमारे? सेकंड टाइप ऑफ एरर्स जो हैं वो लॉजिकल एरर्स हैं, errors in the logic of a program. Are called logical errors. प्रोग्राम की लॉजिक के अंदर जो एरर्स होते हैं, लॉजिक मीन्स के उसके मेथड में उसके तरीकाकार में, तो वो लॉजिकल एरर में आता है, और लॉजिकल एरर्स को कंपाइलर डिटेक्ट नहीं कर सकता। लॉजिकल एरर्स जो हैं, प्रोग्राम हमारा रन हो जाता है लेकिन उसका जो रिजल्ट है वो उस तरीके से नहीं आ रहा होता जैसे हम चाह रहे होते हैं। तो लॉजिकल एरर्स की जो एग्जांपल्स हैं, आप इस तरह कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल परसेंटेज के लिए फार्मूला जो होता है वो एक्चुअली एक जगह कहीं पे हमने सपोज करें लिखा भाई परसेंटेज हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमने ये लिखना था कि परसेंटेज इज इक्वल टू 100 और मल्टीप्लाई बाय मार्क्स ऑब्टेन
डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, एक्चुअल फॉर्मूला हमारा ये था, लेकिन हमने इसको इस तरह लिख दिया भाई P इज इक्वल टू सपोज करें हमने यहाँ पे डिवीजन की बजाय हमने स्टेरिक यहाँ पे दे दिया। तो अब यहाँ पे इस मिस्टेक का जो है ना वो कंपाइलर को पता नहीं चलेगा, वो इसको हैंडल नहीं कर सकेगा। कंप्यूटर के लिए तो स्लैश भी ठीक है और मल्टीप्लाई का साइन भी ठीक है, तो वो इस हिसाब से हमें रिजल्ट निकाल के दे देगा। तो उसका नतीजा ये होगा कि हमारा रिजल्ट सही नहीं आएगा। तो ये एक रॉन्ग फार्मूला है, तो ये एक एग्जांपल है लॉजिकल एरर की। तो इसी तरह और बहुत सारी एग्जांपल हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे डेट हमने लिखनी थी 3/4/2014, तो हमने लिख दी इंस्टेड ऑफ 4/3/2014, हमने एक्चुअल डेट लिखनी थी 4/3/2014, लेकिन हमने 3/4/2014 लिख दी डेट। तो ये एरर भी कंपाइलर चेक नहीं कर सकता। कंप्यूटर के लिए ये दोनों डेट्स अपनी जगह पे ठीक हैं, तो इस वजह से ये भी एक लॉजिकल एरर होगा। जी तीसरी तरह के जो एरर हमारे पास होते हैं वो हमारे पास होते हैं रन टाइम एरर्स। अब रन टाइम एरर्स जो हैं वो कुछ खास सिचुएशंस के अंदर अक्कर होते हैं। बहुत रेयर इस तरह के एरर आते हैं, बहुत कम आते हैं, लेकिन बहरहाल ये भी एक टाइप है एरर्स की। तो इसमें पहली सिचुएशन होती है कि हम किसी चीज़ को डिवाइड जब कर रहे हैं ज़ीरो से। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं यहाँ पे मेंशन भी कर दूँ भाई, रन टाइम एरर उस वक्त आते हैं जब हम कंप्यूटर से कोई ऐसा फंक्शन परफॉर्म करवाने की कोशिश कर रहे हैं जो वो ना कर सकता हो। यानी इसको कह सकते हैं कि व्हेन ए प्रोग्राम tries to do the computer system cannot perform। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि divide by zero zero error है। हम किसी चीज़ को zero से divide करने की कोशिश कर रहे हैं तो हमारा program successfully compile हो जाएगा, और लेकिन जब भाई ज़ीरो लिखोगा आ जाएगा। इसी तरह एक और हो सकती है भाई, हम एक कोई यूज़र डिफाइंड फंक्शन लिखें लेकिन मतलब किसी वजह से वो डिलीट हो गया। यानी हम एक ऐसे फंक्शन को रेफर कर रहे हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, उसको कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं जो एग्जिस्ट नहीं करता। यानी दूसरी जो सिचुएशन है कि कॉल ए फंक्शन दैट डज नॉट एग्जिस्ट। आपको पिछले लेक्चर में बताया था उसके एंड पे तकरीबन कि स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम ये बताया था भाई, एक लॉन्ग प्रोग्राम जैसे कि एरिया ऑफ डिफरेंट ज्योमेट्री, बेहतर ये होता है भी हम तीन अलग अलग फंक्शन लिख लें। मिसाल के तौर पे एरिया ऑफ सर्कल के लिए एक अलग हम फंक्शन लिख लें। तो फर्स्ट करें कि एरिया ऑफ सर्कल
कॉल करवाने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन वाकई एरिया ऑफ सर्कल का कोड हमने लिखा नहीं है, तो ये एक रन टाइम एरर होगा। ठीक है, हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कैटेगरीज ऑफ लैंग्वेजेस से रिलेटेड है। तो सबसे पहले तो ये यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की डेफिनेशन बताई जा रही है। आपकी बुक के अंदर भी उसने मेंशन किया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप कह सकते हैं कि आप कह सकते हैं एक सिंपल जो डेफिनेशन इसकी है कि सेट ऑफ कोड्स टू राइट ए प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट, कुछ खास किस्म के कोड्स का कम्बिनेशन, उसको आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। तो जनरल कैटेगरीज जो हैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हमारे पास दो हैं। पहले हमारे पास लो लेवल लैंग्वेज है, और लो लेवल लैंग्वेज के अंदर हमारे पास मशीन लैंग्वेज आ जाती है, और उसके बाद हमारे पास असेंबली लैंग्वेज आ जाती है। इसी तरह हाई लेवल लैंग्वेज है, फिर हमारी पास दूसरी जो कैटेगरी है वो हाई लेवल अच्छा मशीन लैंग्वेज होती है। इसमें सिर्फ और सिर्फ बाइनरी कोड होता है, कोई भी स्टेटमेंट हमने लिखनी है तो वो सिर्फ हम लिखेंगे, और इसको कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो मशीन लैंग्वेज को समझ सकता है। फर्ज़ करें, यहाँ भी मैं एग्जांपल से वाजे करता हूँ कि हमने फर्ज़ करें दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कराना है, तो मशीन लैंग्वेज के अंदर उसकी क्या स्टेटमेंट होगी। फर्ज़ करें हमारे पास नंबर जो है वो 3 और 4 थे हमारे पास नंबर, तो अगर इनको मल्टीप्लाई हमने करवाना है तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई का कोई कोड होगा बाइनरी की शक्ल में। वो सपोज कर लें कि हम मैं ऐसे ही यहाँ पे कोई कोड लिख देता हूँ, एट बिट्स की शक्ल में मैंने ये कोड लिखा है। तो सपोज करेंगे ये मल्टीप्लाई का कोड है, हालांकि एक्चुअल ये कोड नहीं है, मैं सपोज करके लिख रहा हूँ। तो आगे फिर हमें 3 का कोड देना पड़ेगा। 3 का कोड जो है वो 3 की बाइनरी 1111 होती है, उसके साथ लेफ्ट साइड पे 6 जीरोस हम ऐड करेंगे। 4 की बाइनरी लिखेंगे, 4 की बाइनरी जो है वो एक्चुअली 100 होती है, तो लेफ्ट साइड पे हम 5 जीरोस ऐड करेंगे। तो ये एक मुकम्मल स्टेटमेंट बनेगी मशीन लैंग्वेज की, लेकिन ये काफ़ी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड है। फिर हर स्पेसिफिक मॉडल का, कंपनी का जो कंप्यूटर होता है उसके अंदर ये मल्टीप्लाई का जो कोड है ये भी डिफरेंट होगा। तो मशीन डिपेंडेंट होती है मशीन लैंग्वेज, तो इसमें काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं। असेंबली लैंग्वेज में ये किया गया कि इसमें हमें कुछ खास किस्म के शॉर्ट कोड्स दे दिए गए, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग प्योर बाइनरी हम ये कोड लिख सकते हैं और डिजिट्स हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो असेंबली लैंग्वेज के अंदर अगर यही हम स्टेटमेंट लिखेंगे तो वो इस तरह होगी कि MUL हम लिख देंगे और 3,4 अच्छा कोड्स को हम क्या कहते हैं, यानी इस असेंबली लैंग्वेज के अंदर हम कह सकते हैं कि सम सिंबॉलिक कोड्स आर यूज्ड कॉल्ड निमोनिक्स, ये लफ्ज़ निमोनिक्स है, इसमें M साइलेंट है। तो ये MUL जो है ना ये सिंबॉलिक कोड या निमोनिक है,
तो इसमें काफ़ी हमारी फैसिलिटी हो जाती है। और सेकंड जो मेन कैटेगरी है हमारे पास लैंग्वेजेस की, ये हाई लेवल लैंग्वेज है, तो इसमें हमारे लिए ज़्यादा फैसिलिटी, ज़्यादा आसानी हो गई है। इसमें हम इंग्लिश लाइक वर्ड्स एंड सेंटेंसेस को यूज़ कर सकते हैं। तो यानी इस तरह के वर्ड्स हम यूज़ कर सकते हैं कि जिससे जो जस्ट लाइक इंग्लिश लैंग्वेज सिंपल लैंग्वेज के होते हैं। मिसाल तौर पे ऊपर वाली स्टेटमेंट अगर हमने किसी हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखनी हो तो हम उसको इस तरह लिख सकते हैं। तो अब इसमें हमने मल्टीप्लाई 3/4 लिख, इंग्लिश का मुकम्मल एक सेंटेंस बन रहा है, तो ये हमारे लिए लिखनी बहुत आसान है। तो हाई लेवल लैंग्वेजेस के अंदर बहुत सारी आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि कोबोल लैंग्वेज है, इसी तरह आपकी पास्कल एक लैंग्वेज होती थी, फिर हमारे पास सी लैंग्वेज है, जावा एट्सेट्रा जी। तो आगे कुछ एक अलग क्वेश्चन के अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स का जिक्र किया गया हाई लेवल लैंग्वेज का, लैंग्वेज की कैरेक्टरिस्टिक्स का जिक्र किया गया। तो इसमें है पहले मशीन इंडिपेंडेंस, यही है कि जैसे कि मैंने ऊपर बताया कि हर लैंग्वेज का, जैसे मशीन लैंग्वेज के अंदर मशीन कोड डिफरेंट होता है, तो हाई लेवल लैंग्वेज में ऐसा नहीं होता, इसी वजह से मशीन इंडिपेंडेंस कहते हैं। फिर एक से ज़्यादा मशीन्स के ऊपर प्रोग्राम चलाया जा सकता है। मिसाल के तौर पे आपने प्रोग्राम आपने एप्पल की सिस्टम के ऊपर लिखा है, तो उसको आप विदाउट मॉडिफिकेशन या बहुत ही कम मॉडिफिकेशन के साथ आप दूसरे किसी एसर वगैरह के सिस्टम के ऊपर रन कर सकते हैं, आईबीएम के सिस्टम के ऊपर रन कर सकते हैं। फिर इनको समझना आसान होता है। फिर वेल डिफाइंड सिंटैक्स और स्टैंडर्ड है, और इजी टू डीबग है। तो ये इसकी मुख्तलिफ लैंग्वेज किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज की, तो आपकी बुक के अंदर ये इन डिटेल मेंशन है। तो इसके साथ ही मैं अपने इस थर्ड लेक्चर को वाइंड अप करता हूँ यहाँ पे। और इस थर्ड लेक्चर के एंड के साथ ही हमारा ये फर्स्ट चैप्टर भी एंड हो गया। तो इससे रिलेटेड असाइनमेंट वगैरह मैं आप सेंड कर दूंगा। तो इस लेक्चर को मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ।